जी वालेकुम व बेटा क्या हाल आप लोगों का उम्मीद है सारे खैरों की से होंगे पढ़ाइयाँ चल रही होंगी मेहनतें हो रही होंगी ऐसा ओके okay, तो uh, आप ए गाय ब मुझे क्वेश्चंस रिसीव होते रहते हैं ओके okay, और सम टाइम क्वेश्चंस आर सो मच दैट आई नीड टाइम टू रिस्पॉन्ड तो प्लीज़ डोंट माइंड इट

और वर्बल कम्युनिकेशन में आ, हमने जो डिस्कस किया है वो आ, आपको पता है हमें दो लेक्चर अभी तक इसमें खपा चुके हैं ऑलमोस्ट हम पहले ओल कम्युनिकेशन को डिस्कस किए फिर ओल कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया जिसमें मैं आपको फ़ेस टू फेस के डिफरेंट जो है ना वो टाइप को डिस्कस कर रहा था इंटरव्यू को मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके बाद फिर मैं ग्रे को डिस्कस कर चुका हूँ फिर उसके बाद मैं नेगोशिएशन की डेफिनेशन जो है वो गो थ्रू कर चुका हूँ आज जो मैंने कंटिन्यू करना है वो स्टेजेस अभी जो मैंने कंटिन्यू करना है वो स्टेजेस इन द नेगोशिएशन प्रोसेस से कंटिन्यू करना है सो द स्टेजेस जो है लेट मी राइट फ्रॉम हियर जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सबसे पहले नेगोशिएशन का टॉपिक और इसको जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं वो डिफरेंट स्टेजेस स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जी ठीक है जी जी सो डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करूंगा ये तो हम इसको गो थ्रू कर चुके हैं ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ नो आई हेयर स्टेजेस सो फर्स्ट स्टेज जी जी प्रेपरेशन एंड प्लानिंग प्रेपरेशन एंड प्लानिंग जस्ट द सेकेंड मैं इसको किसी और मार्कर से कर दूँ ताकि आपको एक्जैक्टली exactly पता हो कि मैं इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं अब मैं राइट नो इसके ऊपर हूं ठीक है जी सो द फर्स्ट स्टेज इज दी प्रेपरेशन एंड प्लानिंग प्रेपरेशन एंड प्लानिंग सो लेट मी राइट हियर फॉर यू प्रेपरेशन एंड प्लानिंग यस द फर्स्ट इज प्रेपरेशन एंड नजर आ रहा है मार्कर इज ओके मार्कर इज फाइन नजर न रहे जी सो द फर्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज या बाद में लिखता हूँ सारे पॉइंट्स बाद में सो फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड द प्रेपरेशन एंड प्लानिंग ठीक है सो द स्टेजेस द वेरी स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस आर आफ एंड प्लानिंग जिसमें मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था सेलर को सबसे पहले डिफाइंड करने उसने क्या चीज़ सेल आउट करनी है और बायर ने डिफाइन करना उसने क्या चीज़ बायर करनी है ठीक है जी तो सबसे पहले ये तो डिफाइन कर रहा किस चीज़ पे नेगोशिएशन करनी है आपने घर खरीदना है या घर सेल आउट करना है या आपने कोई सब्जी खरीदनी है या आपने कोई फ्रूट खरीदना है फर्नीचर खरीदना है या कुछ सेल आउट करना है तो सबसे पहले हमने प्रेपरेशन एंड प्लानिंग के आ, अपने माइंड को तो प्रिपेयर करो कि व्हाट यू हैव टू गो फॉर द नेगोशिएशन आपने किस चीज़ पे नेगोशिएशन करनी है ठीक है जी आपको पहले पता हो ना और सेम सेम प्लानिंग होगी लाइक सेलर वांट टू सेल द हाउस एंड यू वांट टू बाय द हाउस अब ये हो नहीं सकता कि सेलर वांट टू सेल द हाउस और आप जो है ना गए तो फ्रू, फ्रूट बाय करने हैं लेकिन आप घर बाय करके आ जाए तो हो नहीं सकता ठीक है तो सबसे पहले ये डिफाइन करना होता है कि किस चीज़ पे नेगोशिएशन करनी है किस मकसद क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिफाइन कर लो मकसद के बगैर कोई बाइंग एंड नहीं होती okay, कोई ऑब्जेक्टिव कोई मकासद होंगे तो आप उस चीज के लिए आगे बढ़ोगे ठीक है जी सो so, ये कहना चाह रहा है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या प्रॉब्लम क्या है जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आप उस चीज को नहीं बाय करोगे सपोज ओके आप uh, आपने फर्नीचर बाय करना है आपको घर में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप फर्नीचर बाय कर रहे हो ना घर के लिए आपने आज क्या बनाना है सपोज आपने आज चिकन बनाना है तो आप चिकन कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है जब तक तो उसकी नीड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कोई नीड नहीं होगी आप उस चीज़ के लिए नहीं मूव ऑन करोगे तो फर्स्ट यू शुड हैव सम कॉन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है उस उस उसके उसके बिहार पर आप सारी फिर प्लानिंग करोगे एंड परसेप्शन ऑफ द पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट ओके परसेप्शन uh, कि उस पर आपकी क्या सोच है आपका बजट क्या है और उस उसकी क्या लिमिटेशन है कि वो कहाँ तक उसको सेल आउट कर सकता है वो कितना नीचे आ सकता है ठीक है जी अगर मैं इसको एक और कॉन्टेक्स में लूँ कि दिस इंक्लूड द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो किस कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का किस हद तक ये जो है ना वो निगोसिएशन आगे जा सकती है क्या लिमिटेशन है यहाँ तो ओके हुआ यहां तक फाइनल सबसे पहले डिफाइन करना है कि किस चीज पे नेगोशिएशन करनी है वो जो आपने बाय करना है वो क्या चीज करनी है, जो जो है चीजों कर को स्पेसिफाई करना होता है सो so, परसेप्शन आपको पता ही क्या होती है कि आप, आपकी क्या सोच है आप किस सोच के साथ मार्केट में जाओगे आप किस बजट के साथ मार्केट में जाओगे कि okay, आप किस क्या सोच है कि किस बाजार में किस दुकान पे जाना है और किस तरह से बात करनी है कि जो आपको चीज़ है वो भी आपको मिल जाए और सस्ते दामों में मिल जाए द आउटकम ऑफ अ नेगोशिएशन प्रोसेस फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल टू द मिनिमम एक्सेप्टेबल इज डिटर्मेंड वही बात है कि इसमें हम फिर डिटर्मेंड करते हैं कि मैक्सिमम मैं किस प्राइस तक जा सकता हूँ और मिनिमम मैं किस कि, किस प्राइस तक आ सकता हूँ क्योंकि अगर आप मिनिमम से नीचे चले जाएंगे तो फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी क्वालिटी के लिए आपको उस प्राइस रेंज में रहना पड़ेगा अगर आप उस उस प्राइस से नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको लो क्वालिटी की चीज मिलेगी मिल जाएगी तो लो क्वालिटी की चीज मिलेगी तो यहां पे यह कहना चाह रहा weakness, है द वीकनेस द वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अदर पार्टीज आर आइडेंटिफाइड एंड इज डेवलप फॉर कंडक्टिंग द नेगोसिएशन द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ अदर पार्टी ठीक so, है जी सो हर पार्टी की हम स्ट्रेंथ जिसके साथ हम वो डील कर रहे हैं हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं पर उसके मुताबिक उन उस बंदे को डील कर रहे होते हैं ठीक है उसकी वीकनेस को पूरी कोशिश करते हैं उसकी वीकनेस को यूटिलाइज करके उसका बेनिफिट लें और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे हम उससे हम थोड़ा सा फियरफुल होते हैं या उसमें ये स्ट्रेंथ है वो मुझे ग्रैप कर सकता है वो मुझे कंट्रोल कर सकता है ठीक है जी तो ये दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ही आप एक अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज अ बिट टेक्निकल स्टेजेस यू हैव टू बी विद मी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इच आइडेंटिफाइड एंड स्टैच यू डेवलप फॉर कंडक्टिंग द नेगोशिएशन फिर उसके बाद ही आप प्रॉपर नेगोशिएशन कर सकते हैं। जी फर्स्ट पॉइंट अगेन बेटा प्रेपरेशन एंड प्लानिंग कि सबसे पहले आपको पता हो कि आपने किस चीज पे नेगोशिएशन करनी है आपने दुनिया की कौन सी प्रोडक्ट है जो आप बाय करने जा रहे हो फिर उसके मुताबिक आपने सोचना होता है वो जो आपका सोचना है डैट इज कॉल्ड द परसेप्शन फिर परसेप्शन में आप लिमिटेशन भी रखते हो कि मैं मैक्सिमम मेरा कितना बजट है और मिनिमम मैं कहाँ पे आ सकता हूँ ठीक है तो उस फिर उसके बाद जब आपको आपको अपना भी पता होना चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं और मैं जिस पर्सन के पास जा रहा हूँ वो बाय करने के लिए उसकी भी क्या स्ट्रेंथ और उसकी क्या वीकनेसेस हैं उसके बाद ही आप अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हो आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप द ने डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड रूल्स नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स ठीक है जी अब डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड रूल्स क्या होता है फर्स्ट स्टेज डिट यू अंडरस्टैंड प्रेपरेशन एंड प्लानिंग इसमें क्या होता है जी फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई आपने क्या चीज बाय करनी है या किस चीज़ को आपने सेल आउट करना है तो सबसे पहले आपने स्पेसिफाई करना होता है कि आपने किस कारोबार में जाना है अगर आपने सेल आउट करना है या अगर आपने बाय करना है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई और नेक्स्ट स्टेज इज डिफाइनिंग या डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड रूल्स मीन्स कि अब आपने ये तो डिफ़ाइन कर लिया कि मैंने इस चीज़ को खरीदना है अब किस टाइम पे ख़रीदना है किसके साथ जा के ख़रीदना है किस मार्केट में जाके खरीदना है ओके अगर कौन सी कन्वीस का इस्तेमाल करना है जाते हुए ओके वहाँ जाके मैंने सपोज़ दही भले खाने हैं या मैंने कुछ मैंने कोई जो है ना वो बर्गर खाना है थोड़ा आपके माइंड में होता है ये ये तो कहना डेफिनेशन ग्राउंड रूल कि जब करते। पहले, again, पहले आपको पता होना चाहिए, आप कौन सी चीज बाय करने जा रहे हो उसके बाद अब आपने आपने ये डिसाइड कर लिया कि सपोज मैंने फर्नीचर बाय करना है अब फर्नीचर आपको पूरे शहर में मिलेगा कहाँ कहाँ फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपने भी डिफ़ाइन करना है कि मैंने कौन सी मार्केट में जाके फर्नीचर बाय करना है ठीक है कौन सी लकड़ी होगी कौन सी क्वालिटी की होगी वो सारी आप यहाँ पे डिटर्मेंड करोगे ठीक है मैं किसके साथ जाऊँगा अकेले जाऊँगा या किसी किसी को साथ लेके जाऊँगा स्पेशल फीमेल्स जाती हैं तो आपको पता है वो अकेले नहीं जाती वो पूरा डिफ़ाइन करती हैं कि वो किसके साथ जाएंगी मतलब घर में आ, 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 आप आपने जाना है सपोज तो आप मॉम के साथ जाएंगी या सिस्टर के साथ जाएंगी या ब्रदर के साथ जाएंगी और कितने बजे जाएंगी किस मार्केट में जाएंगी ठीक है तो हैल डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड रूल्स सो दिस इंक्लूड एग्रीमेंट ऑन प्रोसीजर्स ऑन प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग द नेगोसिएशन इंक्लूडिंग नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ओके वेन एंड टाइम इफ एनी फॉर कंडक्ट एंड कंकून ऑफ द नेगोसिएशन ठीक है प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ऑफ द नेगोशिएशन कि आप ये नेगोशिएशन कैसे परफॉर्म होगी ठीक है जी इंक्लूडिंग नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा मेरी तरफ़ से कौन जाएगा मैं जाऊंगा या मेरे बिहार पर कोई और पर्सन भी जा सकता है वेन्यू किस जगह पे ये बाइंग होगी या सेलिंग होगी या किस जगह पे ये नेगोशिएशन होगी एंड टाइम लिमिट किस टाइम पे होगी कितना टाइम मैंने वहाँ पे खपाना है आपको पता है कि आप हमेशा टाइम लेके जाते टाइम आपका लिमिटेड होता है तो आपको पता हो कि इस टाइम मैंने मार्केट में जाना है और इस टाइम तक मैंने अपनी बाइंग या सेलिंग मैंने से, बाइंग मैंने स्पेसिफिकली कर लेनी है इफ़ एनी फॉर कंडक्ट एंड कंक्लूजन ऑफ द नेगोशिएशन ताकि आपकी अच्छे तरीके से नेगोशिएशन वो हो सके यहाँ तो कॉके हो गया जी उसके बाद है जी क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन थर्ड पॉइंट क्या है जी क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन अब दो पॉइंट आपको समझ आ गए सबसे पहले आपने क्या किया प्रश प्लानिंग में आपने डिफाइन किया कि आपने किस चीज़ को खरीदना है मैं आपको चलो बाइंग के परस्पेक्टिव में सारा समझाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए आपने क्या चीज खरीदनी है सेकेंड पे अब आपने किसके साथ जाना है किस मार्केट में खरीदनी है किस प्राइस में खरीदनी है सपोज वो सारा ग्राउंड रूल्स में आ जाएगा उस जगह के रूल्स क्या होंगे वो आपने फॉलो करने हैं उसके बाद क्लैरिफिकेशन इंडस्ट्री अब आप उस जगह पे पहुंच के अब आप सेलर के सामने अब वो अपनी जस्टिफिकेशन देगा कि इसकी क्वालिटी चेक करें ये मैंने स्पेशली इंपोर्ट किया है जी ओके जी आ, ऐसा माल आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा माल आपको मेरे से मिलने वाला है जो प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ आपको कहीं प्राइस नहीं मिलेगी ठीक है अब यहाँ पे हर पर्सन जितना फनकार होगा इतनी अच्छी वो क्लैरिफिकेशन देगा अपनी प्रोडक्ट की ठीक है जी जो सेलर है वो बड़े इसमें एक्सपर्ट होते हैं क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन में ओके अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा प्राइसेस बढ़ बढ़ रही हैं चीज़ों की ओके okay, तो वो क्या कहेंगे जी क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दी है ज़्यादा ओके okay? या आप पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज कर गई है ओके okay? या जो है ना वो आप देखें जी पीछे से माल ही महंगा मिल रहा है ठीक है जी इम्पोर्ट बंद हो गई है ठीक है तो इस तरह के एक्सक्यूज़ होते हैं तो हर बिजनेस मैन के पास सम हो किस तरह के एक्सक्यूज होते हैं क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन इसमें ये कहना ही चाह रहा है कि सबसे पहले आपने पहचान की कि आपको चाहिए क्या इसमें फिर डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड रूल्स फिर आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने कुछ रूल डिफाइन किए कुछ डिसिप्लिन डिफाइन किए कुछ पॉलिसी डिफाइन की गाइडलाइन डिफाइन की कि उसको तो तो मैं कैसे हासिल करूंगा फिर आप उस जगह पर पहुँच गए अब आप अपनी जस्टिफिकेशन देंगे और वो अपनी जस्टिफिकेशन देगा वो अपना उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा वो और आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे होंगे सो दैट इज़ अ थर्ड स्टेज द फोर्थ अच्छा इसको लेट मी एक्सप्लेन लेट मी गो थ्रू द बुक आफ्टर बोथ द पार्टीज हैव प्रजेंटेड देर इनिशियल व्यू पॉइंट यहाँ पे हर पार्टी अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करेगी इज पार्टी आफर एक्सप्लेनेशन अब हर पार्टी अपना एक्सप्लेन कर रही है क्लैरिफिकेशन दे रही है एंड जस्टिफिकेशन दे, दे, दे रही है दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग इन टू फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यू टू द पार्टी अब जिसके लिए वो जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा उसकी जस्टिफिकेशन इतनी तगड़ी होंगी इतनी हैवी होंगी ठीक है जी एंड रैशनेल फॉर फेयरनेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन और हर कोई अपनी पोजिशन को रैशनली जो है ना वो जस्टिफाई कर रहा होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है क्योंकि मेरा माल जो है ना वो इम्पोर्टेंट माल है मेरा माल बड़ा क्वालिटी वाला माल है मेरा जो जो प्राइस को कर रहा हूँ बड़ी रीजनेबल प्राइस है ठीक है और आप अपनी जस्टिफिकेशन देंगे बाहर की अपनी जस्टिफिकेशन होती है कि मेरी क्वालिटी के मुताबिक नहीं है मेरे बजट के मुताबिक नहीं है आपकी अपनी जस्टिफिकेशन होंगी और सेलर की अपनी जस्टिफिकेशन होंगी यहाँ तक ओके हो गया जी Third point, the fourth is bar, uh, bargaining and problem solving. The fourth is bargaining and problem solving. Okay, the fourth point is bargaining and problem solving. अब आप उसको बोलोगे आपने जस्टिफाई कर दिया उसे जस्टिफाई कर दिया अच्छा छठ यार बहुत हो गया आप बताओ प्राइस क्या लगाएगा अब यहाँ पे आगे बार्गेनिंग बार्गेनिंग होता है प्राइस की बात होगी यहाँ ने सिर्फ कहानी थी सारी यहाँ ना सारी प्लानिंग चल रही थी यहाँ पे सिर्फ आपके आपके थॉट प्रोसेस तक वो चीज़ थी यहां पे आप एक्चुअली आपको बोलोगे अच्छा बताओ यार ठीक है तुम जो कह रहे हो तुम्हारी अपनी बात भी ठीक है मैं अपना बजट के हिसाब से बात कर रहा ये बताओ कि एक्चुअली प्राइस क्या कोट करोगे या बारगेनिंग एक्चुअली आप प्राइस क्या लगाओगे दैट यू हैव टू टेल मी ठीक है सो बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम तभी आपका मसला हल होगा अगर आप सिर्फ क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देते रहेंगे तो आपका मसला हल नहीं होने वाला इफ यू वॉन्ट कि आपका मसला हल हो तो अल्टीमेटली आपने सोल्यूशन पर आना है और सोल्यूशन पर तभी आओगे जब आप बार्गेनिंग कर रहे होंगे अगर बारगेनिंग नहीं है दर इज नो सोल्यूशन फॉर डैट यहां देखो ओके हो गया जी सो द पार्टीज मेक कंसेशन द पार्टीज मेक कंसेशन एंड जीव फ्रॉम दिज्यू पोजिशन ठीक है अब तभी ये तभी बार्गेनिंग हो पाएगी कि जब आप उसमें कंसेशन करेंगे कंप्रोमाइज करेंगे अगर कंप्रोमाइज नहीं है कंसेशन नहीं है अपनी पार्ट अपनी पोजिशन से वो हटे नहीं है सर अपनी बात पर अड़ा हुआ अड़ाव बायर अपनी बात पर हुआ तो फिर ये डील नहीं हो पाएगी ओके okay? आपने वैसे ही वापस आ जाना है जैसे आप गए थे सो द पार्टीज मेक कंसेशन एंड जील फॉम देश वो इंग्लिश उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो यहाँ से वो लेकर आए थे अब यहाँ पे थोड़ा सा उनको मोस्ट सम टाइम कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है वो जो ख्याल करके आया था कि यार मुझे ये चीज़ सौ की मिल जाएगी लेकिन आपको वो चीज़ एक सौ बीस की मिली ठीक है ये कहना चाह रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको अपनी इनिशियल पोजिशन से थोड़ा सा हटना पड़ता है ओके उसे अगर आप अपनी इनिशियल पोजिशन पर खड़े रहेंगे अगर उसी पॉइंट उसी प्राइस पर आप स्टैंड किए रहेंगे तो फिर ये आप डीलिंग परफॉर्म नहीं कर सकते सो द पार्टीज में कंसेशन एंड जीट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू रीच कंसेंसिस कंसेंसिस होता है कि दोनों पार्टीज एक ऐसे मुतफिका फैसले पर आ जाए वो भी खुश और आप भी खुश विन विन सिचुएशन इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन कि ऐसा सोलूशन हो कि बायर भी खुश आप भी खुश और सेलर भी खुश वो उसको भी थोड़ा प्रॉफिट मिल गया और आपको भी चीज रीजनेबल प्राइस पे मिल गई दैट कॉलिस एंड मूव टूवर्ड्स एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स और ऐसा एग्रीमेंट हो जो दोनों के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो यहां तक ओके okay हो गया और यहां तक फाइन है लास्ट सोल्यूशन द लास्ट पॉइंट इज दलोयर एंड द एग्रीमेंट क्लोयर एंड एग्रीमेंट लास्ट पॉइंट इज क्लोइर एंड एग्रीमेंट ठीक है जी लास्ट पॉइंट क्लोइर एंड एग्रीमेंट ठीक है जी अब यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि अब आपने वो चीज खरीद ली जब आप चीज़ ख़रीद लेते हो तो जो जो डीलिंग की जो क्लोजिंग करनी होती है वो सिर्फ चीज़ दे नहीं देनी होती बल्कि आपको रसीद भी मिलती है जब भी आप बाय करते हो कोई चीज़ ख़रीदते हो तो सेलर आपको रसीद देता है कि नहीं देता देखिए आपने कोई कपड़े ख़रीदे हैं कोई शूज़ खरीदे हैं आपने कोई आप बड़े मॉल में गए हो आपको हर दुकानदार मतलब एक रसीद इशू करता है दैट इज़ कॉल्ड द क्लोजर अब जो क्लोजिंग होनी है डीलिंग की वो सिर्फ चीज़ को पकड़ा के इस चीज़ को हासिल करके नहीं होनी बल्कि आपने आपको रसीद इश्यू होनी है और वो एन एग्रीमेंट और वो एक एग्रीमेंट है अगर कोई डिस्प्यूट हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रसीद आप शो करके आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो आपको पता ही है उसमें कोई इशू हो आप कोर्ट में भी जा सकते हो कि देखो मैंने ये चीज़ ख़रीदी जिससे मुझे फेक चीज़ प्रोवाइड कर दी तो ये कहना चाह रहा है कि जो जितनी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं वो सिर्फ बाइंग और सेलिंग से नहीं होती बल्कि अल्टीमेटली आप उनको क्लोज करना होता है और वो जो क्लोजिंग होती है वो रसीद के थ्रू होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट और ये एग्रीमेंट आप दोबारा प्रेजेंट कर सकते हो जिसको भी आपने प्रेजेंट करना है सपोज सेलर से, सेलर से कोई मिस्टेक हो गई मतलब या उसने वो तो चीज़ प्रोवाइड की उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप रसीद दिखा के आप उसको रिप्लेस भी करवा सकते हो ठीक है जी सो इज द द द क्लोजर एंड एग्रीमेंट रीच बिटवीन पार्टीज इज इज स्टेटेड इन द फॉर्मल एग्रीमेंट एंड इंक्लूड अ प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ठीक है जी मोनिटरिंग so अब यहाँ पे कंसेंसिस हो गया है बायमी एतफाक हो गया है दोनों ने बाइंग और सेलिंग कर ली है द कंसेंसिस रीच हो गया है बिटवीन द पार्टीज पार्टीज के दरम्यान इज स्टेट इन द फॉर्मल एग्रीमेंट वो जो एग्रीमेंट है वो जो एक आपको पता है ना गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं एक एग्रीमेंट बनता है एक स्टैम्प पेपर होता है पचास रुपए का मिलता है ठीक है स्टैम्प पेपर उसमें हम फॉर्मूला एग्रीमेंट करते हैं वो एक गारंटी होती है कि ये बायर और सेलर की आपस में एक डीलिंग हुई है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये कल कोर्ट में भी जाया जा सकता है एंड इंक्लूड अ प्रोसीजर फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इंक्लूड द प्रोसीजर फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मोनिटरिंग बाद में उस, उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस एग्रीमेंट के थ्रू आप उस मसले को हल कर सकते हो उसको मोनिटर कर सकते हो उसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो आर यू ओके आर यू फाइन टेल हियर जी दैट इज अ बिट टेक्निकल टॉपिक आई होप यू अंडरस्टूड तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेट मी रिपीट अगेन आई एम डन डर नेगोशिएशन पॉइंट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नेगोशिएशन दो पार्टीज हैं बायर और सेलर बायर जो है वो चीज खरीदना चाहता है तो सम वो फ्री खरीदना चाहता है या वो सस्ती चीज खरीदना चाहता है ऐसा ही है ना जो इन बायर का माइंडसेट होता है कि यार मुझे चीज बहुत सस्ती मिल जाए फ्री तो खैर नहीं मिलती लेकिन मुझे चीज बहुत सस्ती मिल जाए और जो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर लूं अब दोनों के डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं अगर बायर अपनी पोजिशन पर स्टैंड किया रहा और सेलर अपनी पोजिशन पर स्टैंड किया रहा तो ना सेलर अपनी चीज सेल आउट कर पाएगा और ना बायर कोई चीज खरीद पाएगा इसके लिए दोनों को कुछ कॉन्सेंसिस

पॉइंट ऑफ व्यू या ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा जब किस चीज़ को, कर, कि, को बाय करना चाहता है, तो पहले वो देखता है, है पहले आपको पता होना किस चीज को आपने खरीदना है आपको पता ही नहीं है मुंह उठाकर मार्केट चलेगा ऐसा हो नहीं सकता पर आपको पता कि आपने किस चीज को खरीदना है सो डैट इज कॉल्डरेशन एंड प्लानिंग ठीक है जी इसमें आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हो जिस चीज को आपने खरीदना होता है और उसके लिए आप बजट डिफाइन करते हो कि मैंने कितने बजट में और किस क्वालिटी में इसको खरीदना है फिर सेकंड स्टेज में बेटा डेफिनेशन ऑफ द ग्राउंड रूल्स अब आपने डिफाइन तो कर लिया कि मैंने चीज खरीदनी है अब आप नेक्स्ट स्टेज उस पर एक्शन परफॉर्म करने पर आ जाते हो कि यार मैं इस पर एक्शन कैसे परफॉर्म करूंगा कैसे उस मार्केट तक पहुंचूंगा कैसे उस शॉपकीपर तक पहुंचूंगा और मेरे साथ कौन होगा क्या मैं अकेले सारा ये काम करूंगा या मेरे साथ को मुझे हेल्प आउट भी करेगा इसमें उस चीज को खरीदने में ठीक है जी उसके बाद जी ये एक्शन ओरिएंटेड है ये सारा थिंकिंग प्रोसेस उसके बाद जी अभी आपने एक्शन परफॉर्म नहीं किया अभी माइंड में आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो कि मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा वहां जाके उसके बाद थर्ड स्टेज में क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन अब यहां पे एक्चुअली आप उस जगह पे पहुंच गए उस जगह पे पहुंच के अब आपने अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू किया और वो अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है अब दोनों क्रॉस डिस्कशंस हो रही हैं अब लॉट ऑफ डिस्कशन्स हो रही हैं यू नो वो कुछ कह रहा है आप कुछ कह रहे हैं और अगर कुछ ये डिस्कशन ही चलती रही वो कुछ क... बोलता जाएगा और आप कुछ सुनते रहेंगे आप कुछ बोलते रहेंगे वो कुछ सुनता रहेगा तो फिर बात नहीं बनेगी नेक्स्ट स्टेज है वो आप बोलेंगे ठीक यार मैंने तेरी बातें बहुत सुन ली अब ये बता के एक्चुअली प्राइस क्या कोट करेगा प्राइस क्या लगाएगा दैट इज़ कॉल द बार्गेनिंग दैट इज़ कॉल द बार्गेनिंग और अगर वो बात आपकी समझ में आ गई वो प्राइस जो उसने बताई वो आपके समझ में आ गई तो फिर आपका मसला क्या क्या हो जाएगा हल हो जाएगा डैट इज़ कॉल द प्रॉब्लम सॉल्विंग डैट इज कॉल द प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक हो गया यहाँ तक जी ओके okay? और यस yes. और जब आपने इस चीज को ख़रीद लिया फिर आप उसको क्लोज करेंगे उस चैप्टर को क्लोज करेंगे क्योंकि okay? और वो क्लोज जो होगा वो किसके थ्रू होगा एक एग्रीमेंट के थ्रू होगा और वो जो एग्रीमेंट है वो आपको रसीद इशू की जाएगी या जा एक, एक एफिडेविट होता है जिसको बोलते हैं हम लीगल लैंग्वेज में क्योंकि okay? जो गवर्नमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी डीलिंग हुई है और इन फ्यूचर इफ आई गेट एनी प्रॉब्लम आई कैन शो दिस रसीद आई कैन शो दिस एफिडेविट एंड आई कैन गेट माई प्रॉब्लम सॉल्व ओके जी आई होप यू अंडरस्टुड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोसिएशन इफ़ स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्लीज लेट मी नो एंड आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू सोशल मीडिया और सम अदर वे ठीक है जी सो नेक्स्ट इज दी द नेक्स्ट टॉपिक इज द मीटिंग नेगोसिएशन को ना रिमूव फ्रॉम हियर ठीक है सारा नेगोसिएशन पॉइंट को तो नेक्स्ट इज द मीटिंग्स मीटिंग्स जी मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग बेटा मीटिंग को बताएं क्या होती है जी एनी आइडिया दल्दी से बताए मीटिंग्स क्या होती हैं जरा थिंक अबाउट इट्स हम बड़ा सुनते हैं यार वो मीटिंग में है मीटिंग्स क्या होती हैं जी जो नेक्स्ट टॉपिक इज द मीटिंग्स हम फेस टू फेस फिर मीटिंग्स भी करते हैं ठीक है जी मीटिंग्स जी सो so, आपकी मेरी भी क्या हो रही है मीटिंग कौन सी मीटिंग है विचुअल मीटिंग ओके okay, अगर मेरे सामने तो कौन सी मीटिंग थी फेस टू फेस मीटिंग ओके जी हमारी कौन सी मीटिंग है इंटरनल के एक्सटर्नल ये जो मेरी मीटिंग आपसे चल रही है ये एक एक्सटर्नल मीटिंग है ठीक है जो कस्टमर के साथ मीटिंग होती है वो एक्सटर्नल मीटिंग होती है जो स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग होती है वो एक्सटर्नल मीटिंग होती है लेकिन जो स्टाफ की आपस में मीटिंग होती है टीचर्स की आपस में मीटिंग होती है वो कौन सी होती है इंटरनल मीटिंग होती है एक और आपकी और मेरी मीटिंग कौन सी फॉर्मल फॉर्मल मीटिंग है एक मिनिमम okay? okay? so कितने लोग होने चाहिए टू मैक्सिमम अनलिमिटेड मीटिंग इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है मीटिंग फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है एक गलत समझ आ गई बेटा और मीटिंग किस पे डिपेंड करती है पर्पस पे डिपेंड करती है किस मकसद के लिए मीटिंग हो रही है उसके मुताबिक मीटिंग मीटिंग की टोन होगी अगर फॉर्मल मीटिंग है तो टोन इज बी वेरी फॉर्मल वेरी सीरियस ठीक है अगर मीटिंग जो है ना वो इनफॉर्मल है तो वहां पर ज्यादा गपशप होगी वहां पर ज्यादा पर्सनल कम्युनिकेशन होगी अंडरस्टैंड जी सो लेट मी गो द मीटिंग फ्रॉम द बुक आ मीटिंग इज सेट टू बी गैदरिंग ऑफ टू आर मोर पीपल मिनिमम टू और मैक्म अनलिमिटेड टू आर मोर पीपल वे आर पर्पज फुल डिस्कशन टेक्स प्ले जहाँ पर किसी मकसद के तहत बात होती है अनसर्टन मैटर कोई भी एक मकसद होता है लाइक बीस बिजनेस कम्युनिकेशन एक सर्टन मैटर है और इसका एक मकसद है एक पर्पज है इसके थ्रू इसीलिए यू आर कनेक्टेड विद मी आई कनेक्टेड विद यू इफ दिस दिस इज नॉट अ परपज यू लिसन टू मी और आई विल नॉट बी कनेक्टेड विद यू तो जो मीटिंग में हम जो कनेक्टेड होते हैं वो किसी पर्पज के तहत होते हैं किसी मकसद के तहत होते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के तहत आपस में कनेक्टेड uh, होते हैं जी तो दिस पर्पज इज ऑब्वियस डू वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह से मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं जिस जिसमें से अभी आप राइस से आप क्लासेस ले रहे हो तो यहाँ पर डिफरेंट तरह से मीटिंग्स हैं अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से कर लेते तो वहाँ वा, पर आपको डिफरेंट तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म नजर आने थे डिफरेंट सॉट टीचर्स नजर आने थे डिफरेंट मीडियम्स और डिफरेंट जो है ना वो वे ऑफ एक्सप्रेशन नजर आने थे गल समझ आ गई जी सो so, हर ऑर्गेजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है हर पर्सन का बिहेवियर डिफरेंट होता है हर पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है गल समझ आए जी सो ये कहना चाह रहा है दिस पर्पज इज ऑब्वियस डू वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम केस टू केस हर एक केस डिफरेंट जिसमें क्यू एम की मीटिंग डिफरेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन की मीटिंग डिफरेंट है आई टी की मीटिंग डिफरेंट है इंग्लिश की मीटिंग डिफरेंट है तो हर मीटिंग की नोयो डिफरेंट होती है आर सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मे वेरी ठीक है मे वेरी जो पार्टिसिपेंट्स है वो चेंज होते रहते हैं द नंबर कुड बी एज स्मॉल एज टू और एज लॉर्ज एज फिफ्टीन और फिफ्टीन हंड्रेड आर फिफ्टीन थाउजेंड

और हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है एक मकसद होना चाहिए विदाउट मकसद हम जिंदगी में कोई काम परफॉर्म नहीं इस बात को याद रखना विदाउट मकसद हम जिंदगी में कोई काम परफॉर्म नहीं करते उसका मकसद होना चाहिए जी ने जी मीटिंग कुड भी आदर फॉर्मल ग्रुप मीटिंग और इनफॉर्मल ग्रुप मीटिंग ये फॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं और इनफॉर्मल ग्रुप मीटिंग्स भी होती हैं फॉर्मल ग्रुप्स आर टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स अब जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वो हमारी जो मीटिंग है वो कौन सी है वो फॉर्मल मीटिंग है एंड दिस मीटिंग इज ट ओरिएटेड अब डेली बेसिस पे आपको एक नया टास्क सुनने को मिलता है एक नया टॉपिक आपको सुनने को मिलता है टास्क ओरटेड ग्रुप्स एंड दे कंड ऑर्डर टू लुक फॉर आंसर्स टू प्रॉब्लम और ये जो मीटिंग कंडक्ट होती है ये जो वक़ूह पजीर होती है इन आर्डर टू लुक फॉर आंसर टू प्रॉब्लम इसमें हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के आंसर्स को देख रहे होते हैं जिस तरह से अब इसमें यह आपका प्रॉब्लम है Okay, BC, this is your problem, and I am here to solve that problem. Okay, Uaji. Okay, so this meeting you have problems, hai and I am here to discuss your problems. Okay, I am here to answer your problems. Determine some course of action. फिर उसके मुताबिक जैसे आपको प्रॉब्लम का सोलूशन डिफाइन किया जाता है उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हो जिस तरह अभी आप एक्शन परफॉर्म करने वाले हो उसके बाद अभी परफॉर्म कर रहे हो एंड मेक रिकमेंडेशन टू हायर अथॉरिटीज और फिर उसके मुताबिक फिर हायर अथॉरिटीज़ को हम रिकमेंड करते हैं आई कैप को आपने इसके मुताबिक रिकमेंड करना है कि इसका आंसर ये है इसका आंसर ये है इसका आंसर ये है ठीक है सो अगेन so जो फॉर्म मीटिंग्स होती हैं वो गोल ओरिएंटेड होती हैं वो टास्क ओरिएंटेड होती हैं वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती हैं उसका कोई पीछे कोई ना कोई मकसद होता है कोई ना कोई मंजिल होती है ठीक है और और इसके बाद जो मीटिंग होती है इसमें एक प्रॉब्लम्स होते हैं ऑडियंस के प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को पहले आंसर किया जाता है सिर्फ आंसर हासिल करना इज़ नॉट अ मकसद ये याद रखना ज़िंदगी में सिर्फ इल्म हासिल करना इज़ नॉट अ मकसद ओके एक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट अ मकसद बल्कि उसके मुताबिक फिर अमल करना इज़ अ रियल नॉलेज सो उस पर एक्शन परफॉर्म करना इज़ अ रियल नॉलेज तो ये कहना चाह रहा है उस पर फिर एक्शन परफॉर्म करना ठीक है कहां पे था मैं जी उस पे फिर एक्शन परफॉर्म करना सम सम कोर्स ऑफ एक्शन एंड मेक रिकमेंडेशन टू अथॉरिटीज जब एक्शन परफॉर्म करते हो तो आप एक्टिवेटली रिपोर्टिंग कर रहे होते हो आप मेरा आप क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हो आप इस मीटिंग में मुझे क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हो ताकि आप उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करो उसके मुताबिक तैयारी करो आप आर्टिकल में परफॉर्म करो और फिर हर अथॉरिटी को आई okay? क्या को आपने वैसे ही रिपोर्ट करना है फिर आपने में आपने बॉसेस को वैसे ही रिपोर्ट करना है, कि जैसे आपने किया ठीक है जी सो so, रिपोर्टिंग है आपकी जो रिकमेंडेशन होता है किस पे बेस कर रही है अंडरस्टैंडिंग पे और अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम और आंसर ऑफ आंसर किससे मिलेगा आपको टीचर से मिलेगा यहां तो कौके हो गया जी क्स देंड कैजुअल इनफॉर्मल मीटिंग आर मैन प्योरली फॉर सोशल रीजन सोशल रीजन क्या होती है नी कि जहां पर सपोज किसी की फौत की होगी ठीक है अब ये जो गैदरिंग है कौन सी ये सोशल गैदरिंग है या किसी की शादी में आप गई कौन सी गैदरिंग सोशल गैदरिंग है ठीक है थीके? तो ये कहना चाह रहा है कि इनफॉर्मल द अदर हैंड कैजल आर इनफॉर्म ऑफ ग्रुप मीटिंग आर मैं सोशल रीजन जहां पर आपके सोशल प्रॉब्लम होते हैं या सोशल नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं मीटिंग विद फ्रेंड्स चैटिंग ओवर कॉफी आर मेन्ट फॉर इंट्रेक्टिंग एंड सच मीटिंग ऑफ एन अनप्लैंड एंड टेक पेम एस्पॉन्टेनियस ठीक है जी ये जो सोशल मीटिंग्स होती हैं ये विदाउट विदाउट प्लान होती हैं सडनली हो जाती हैं दोस्त ने आपको कॉल की आप उसके चल पड़े ये प्लान नहीं होती ठीक है लेकिन जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं बकायदा प्लान करते हैं आपको पता होता है इस टाइम पर मैंने क्लास अटेंड करनी है इस टाइम तक अटेंड करनी है ओके इस मतलब फॉर्मल इज प्लान हर चीज प्लान होती है कंट्रोल होती है लेकिन इनफॉर्मल फॉर्मल इज अनप्लान ये आप जब आपका मूड करे जब आपका दिल करे आप इसको परफॉर्म करते हो सो so, ये कहना चाह रहा है ऊपर ये कहना चाह रहा है कि फॉर्मल ग्रुप्स आर टास्क ओरिएंटेड प्लान उनका टाइम होता है लेकिन नीचे इनका कोई टाइम नहीं होता ये अनप्लान स्पॉन्टेनियस सडनली होती हैं सडनली होती हैं अब किसी की डेथ हो गई तो वो प्लान नहीं होती आपको पता है वो प्लान नहीं होती वो एक सडनली एक चीज़ हो जाती है लेकिन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स जी नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मीटिंग्स अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ टाइप ऑफ मीटिंग्स ठीक है जी सो द फर्स्ट क्या टाइप है जी इंफॉर्मेशनल मीटिंग जी बेटा पहली कड़ी मीटिंग है पहले मैं लिख लूँ या चलो बाद में लिखूंगा इन्फॉर्मेशनल मीटिंग जी तो अभी तक मैंने मीटिंग का आपको मैंने क्रक्स दे दी है आई आई टोल यू द डेफिनेशन ऑफ द मीटिंग इसमें होता है क्या है जी अब इंफॉर्मेशनल मीटिंग इंफॉर्मेशनल मीटिंग में होता है कि सिंपल आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है नथिंग एल्स ओके उसमें उसमें आपका प्रॉब्लम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिस तरह से Uh, जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ओके okay? uh, आपको जो है वो फेसबुक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो उस उस इंफॉर्मेशन का ताल्लक आपके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता लेकिन इंफॉर्मेशन मीटिंग में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है इसमें आपने रिपोर्टिंग बैक नहीं करना होता इसमें आपने कोई रिप्लाई नहीं देना होता सिर्फ आपने इसमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है आप इस पर अमल करो या ना करो इस पर एक्शन परफॉर्म करो या ना करो इट्स योर चॉइस ठीक है इंफॉर्मेशन मीटिंग इज़ अ वेरी सिंपल मीटिंग कि जहां पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है आपने उसको अंडरस्टैंड किया या नहीं किया उससे भी कोई कंसर्न नहीं है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना स्पीकर का सिर्फ कंसर्न है कि आपके कानों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए बस इंफॉर्मेशन आपको एक दफ़ा बता दी जाए बाकी आप उसको अंडरस्टैंड करें ना करें उस पर एक्शन परफॉर्म करें ना करें ये आपके सर दर्द है ठीक है ओके जी सो इन्फॉर्मेशनल मीटिंग दिस मीटिंग क्लैरिफाई द टॉपिक एंड डिस्कशन एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आपको इनफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इन सच मीटिंग पार्टिसिपेंट्स लर्न आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड अच्छा इसको मैं आ, आ, थोड़ा सा इसको और डेप्थ में लेके जाता हूं पहले आपको मैंने बेस बनाई इन्फॉर्मेशनल मीटिंग की आप जो आपकी भी मीटिंग्स हैं वो उन मीटिंग्स को भी इसमें डाल रहा है ठीक है अब इससे एक स्टेप आगे है कि जहां पे आप क्वेश्चन पूछते हो ओके okay, अब आ, ये उससे नेक्स्ट स्टेप है बेटा okay, के थोड़ा सा एडवांस में ले गया इसको कि जहां पे आपके भी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं एक तो यह है ना कि जनरल इंफॉर्मेशन देना अब यहां पे जनरल के साथ प्लस स्पेसिफिक भी हो गया कि जिससे आप, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ठीक है मेरी लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो अब इस लेक्चर में आपका क्वेश्चन आप है आई यू गेट द आंसर

एक प्रॉब्लम है और मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है अब आप इसको सॉल्व करते हो या नहीं करते हो आपकी सर दर्द है ठीक है रिकमेंडेशन मैंने नहीं देनी एग्जाम में ठीक है वो आपने खुद ही देनी है जिस तरह अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ प्रॉफिट ने सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे दी इस्लाम की इंफॉर्मेशन दे दी जो प्रॉफिट उन्होंने अपने मजाहब की इंफॉर्मेशन दे दी अब उस पर आपने एक्शन क्या परफॉर्म किया आपने कितना अंडरस्टैंड किया या नहीं किया ये आपकी सरदर्द है और इस पे जो अल्टीमेटली ओके यू आर आंसरेबल Okay. इसमें स्पीकर इज नॉट आंसरेबल जिस तरह से मेरा काम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देना मेरा काम है कि जो आपने सवाल मुझे पुट अप किया है ये सवाल आप जो पुट अप कर रहे हो किसके थ्रू करे बुक के थ्रू करे सर ये बताएं मीटिंग क्या होती है अब ये बताएं टाइप्स ऑफ मीटिंग्स क्या होते हैं अब ये बताएं इंफॉर्मेशनल मीटिंग क्या होती है ठीक है जी इसमें आप मुझे बता रहे हो क्वेश्चन एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर और किसके थ्रू बता रहे हो बुक के थ्रू बता रहे हो ठीक है जी तो बुक के थ्रू आई एम गेटिंग द क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग द आंसर बिना काम सिर्फ आपको जवाब दे देना अब आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो आई डोंट नो बट यू आर लर्निंग सममेंडेशन भी मैंने नहीं देनी पेपर आपके सामने आएगा तो आपने खुद रिकमेंड करना है मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना यहां तक ओके ओके जी पार्टिसिपेंट्स अटेंड दिस मीटिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ बींग इन्फॉर्म जो पार्टिसिपेंट जिसको अटेंड उनका मकसद होता है कि बस पास करो इंड नो इन्फॉर्मेशन हासिल करो और पास करो इन्फॉर्मेशन हासिल करो और एग्ज़ाम में पास करो ठीक है जी सो पार्टिसिपेंट अटेंड दिस मीटिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग इनफॉर्म एंड एस्टिमुलेट इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक कोशिश भी करते हैं कि उसके मुताबिक थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी को या उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसके मुताबिक वो काम करने की कोशिश करें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को हासिल करना मकसद नहीं होता बल्कि एसम्यट करना भी होता है कि आपकी पर्सनैलिटी पर वैसी नज़र आए फिर आपने जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक आप काम करने की कोशिश भी करें अगर फिर भी आपने हरकतें वही करनी है फिर भी आपने काम वैसे ही करना है कि जो आपने बगैर पढ़े बगैर सुने आपने जैसे काम कर रहे थे तो फिर उसको सुनने का क्या मकसद इल्म हासिल करना इज नॉट अ पर्पस नॉलेज इज नॉट पावर अप्लाइड नॉलेज इज पावर कि आप उसको हासिल करने के बाद उस पर अमल कितना करते हो दैट इज अ रियल क्रक्स अंडरस्टैंड हो गया जी तो ये कहना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू मिशन स्टेटमेंट अब न्यू मिशन स्टेटमेंट कंपनी की होती है जी हम ये करेंगे हम अगले पांच साल में ये करेंगे दस साल में ये करेंगे अब आपको बता दिया अब करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है आप उसके आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि यार इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये ठीक है ये कंपनी ये करना चाह रही है ठीक है अब आपने इंफॉर्मेशन गेन कर ली अब आप उस इंफॉर्मेशन को गेन करके आपने क्या किया सपोज आप एक कंपनी में सपोज आप के पी एम जी में गए आप ई वाई में गए और उनका ऑब्जेक्टिव है टू बिकम अ लीडिंग ट्रेनिंग फॉर्म लीडिंग ऑडिट फॉर्म ओके अब आप उस कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं उस फॉर्म में जॉब भी कर रहे हैं और आप इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली अब आप उस, उसको नंबर वन बनाने में कितनी कोशिश करते हैं क्योंकि इट्स ऑफ टू यू ठीक है आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने कितनी एफ की लेकिन आपको पता है कि यार इस कंपनी का इस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव इट्स वॉन्ट टू बिकम नंबर वन अब आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए उसके मुताबिक एसिमिलेट करो उसके मुताबिक अपने एक्शन परफॉर्म करो ठीक गया जी सो आई एम डन विथ दिस पॉइंट नेक्स्ट इज द सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग नेक्स्ट क्या जी सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग जी तो आई एम विद द फर्स्ट पॉइंट नोट सेकंड पॉइंट अच्छा एक बात याद रखना क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं देखिए सो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो फैसले किए जाते हैं वो एक बंदा फैसले नहीं करता बल्कि जो फैसले किए जाते हैं वो सारे डायरेक्टर्स को कॉल किया जाता है सारे मैनेजर्स को कॉल किया जाता है और बाहमी मुतफिका होकर फैसला किया जाता है एक पर्सन बिजनेस में फैसला अगर वो कल रॉन्ग हो गया फैसला अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारे उसको ब्लेम करेंगे इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई अपने अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि यार ये फैसला क्योंकि मैंने किया था एंड आई टेक ऑल द ब्लेम जब उसको पांच लोग उस फैसले में इन्वॉल्व हो जाते हैं दस लोग उस फैसले को करते हैं तो फिर अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है तो फिर दस को ब्लेम किया जाएगा तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता बजाय जब एक पर्सन को उसको ब्लेम किया जाए ठीक है जी इसके पीछे जो है ना ये हमत ये है सजेस्टेड सोलूशन मीटिंग अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि कंपनी को डिफरेंट प्रॉब्लम दरपेश होते हैं डिफरेंट चैलेंजेस आते रहते हैं तो फिर वो डिफरेंट लोगों को कॉल करते हैं कि आप अपना मुतफ़ा फ़ैसला दें कि आप क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं पर्सन ए का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सन बी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सन सी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ओके okay? ताकि बाकी बाकी लोग नाराज ना हो जाएं कि हमसे पूछा नहीं गया क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह बड़े हाई फाई होते हैं बड़े स्किलफुल होते हैं अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो वो हैप्पी नहीं होंगे और जब हैप्पी नहीं होंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ के जाना शुरू कर देंगे सो यू डोंट वांट टू लूज दोस पीपल उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि उनसे हम गाय ब गाय पूछते रहते हैं जी सपोज मीटिंग कॉल की दस डायरेक्टर आ गए आपके सामने या दस मैनेजर्स आ गए जी सर आप बताएं आप इस मसले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बी से पूछ जाएगा आप बताएं कि आप इसका सोशन क्या डिफाइन कर रहे हैं जी से जी आप बताएं कि आपके आपकी नज़र में इस मसले को हम किस तरह से हल कर सकते हैं ठीक है जी आप इसे कहते हैं सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग कि हमने हर एक का सोल्यूशन उसे सजेस्ट करवा लिया अभी हमने फाइनल सोल्यूशन नहीं लिया फाइनल सोल्यूशन हम बाद में लेंगे या यहां तक ओके हो गया so this is called the suggested solution meeting. तो दिस इज कॉल्ड द सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग यहां तक ओके हो गया सो हियर द कोर पर्पस इज टू फाइंड सजेस्टेड सॉल्यूशन टू सम कोर इशू कोर इशू है सबकी सजेशंस डिमांड कर ली हैं, लेकिन ऐसा जो हमने सबको कॉल मतलब सब सब अभी डिसीजन नहीं किया कि किसकी बात को हमने फॉलो करना है और किसकी बात को फॉलो नहीं करना रिकमेंडेशन आर सॉर्ट फॉर हर एक रिकमेंडेशन पूछ ली गई है एंड कमेंट्स आर मेड ऑन द ऑप्शन रिकमेंडेड और हर एक कमेंट्स ले ली गए हैं अफ नो डिसीजन इज मेड यहाँ पे कोई फैसला भी नहीं किया गया मीटिंग टेन टू रिमेन एक्सप्लेनेटरी एंड इन्फॉर्मेशनल अभी सिर्फ हमें प्रॉब्लम को डिस्कस किया है एक्सप्लेन किया है इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, है उनके कमेंट्स मिल गए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हमें मिल गए हैं लेकिन अभी हमने कोई फाइनल हतनी फैसला नहीं किया अब फाइनल सजेस्ट सोलूशन इज वर्क आउट फिर सबकी सजेशंस को कलेक्ट किया जाता है इसमें सबकी सजेशन को लिया जाता है एंड फॉरवर्डेड फॉर आर फ्रॉम द हायर अथॉरिटी और उनको फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है जो एक सी होता है जो एक लीडर होता है उस की जो है ना वो वो सजेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद आर इस कैप फॉर ओवर अ ग्रुप डिस्कशन ठीक है जी उसको फॉरवर्ड की जाती है कि वो फाइनल डिसीजन करें किसकी सजेशन अच्छी है या फिर उसको फर्दर मीटिंग में दोबारा कंसेंसस के लिए बाय में इतफ़ाक़ के लिए उसको फिर रख दिया जाता है कि इसको हम बाद में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इस मसले को हम दोबारा फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ठीक है जी अंडरस्टैंड जी तो सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग में क्या होता है जी इसमें हम एक कोर इश्यू होता है और हर एक से हम उसकी सजेशन फाइंड करते हैं हर एक कमेंट्स ले लेते हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ले हम ले हर अथॉरिटी को भेज देते हैं जो लीडर होता है जो सी होता है फिर फैसला तो उसी ने करना होता है लेकिन सबको हैप्पी करना होता है कि हर एक से पूछा गया तो दे फील हैप्पी हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि एम्प्लॉय का मोराइल हाई होता है जब उसे पूछा जाता है जब उसकी इन्वॉल्वमेंट की जाती है अगर उनका, उनका पूछा नहीं जाएगा तो दे देर मोरियल लो देर मोटिवेशन लेवल इज लो तो फिर वो हैप्पीली वहाँ पर काम परफॉर्म नहीं करेंगे या तो जी तो लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग थर्ड ये भी पॉइंट हो गया ऐसा ही है ना थर्ड पॉइंट इजी प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग ठीक है जी सो द थर्ड स्टेप अब इस पॉइंट पर पहुंच अच्छा जी अब हमने जो सॉल्यूशंस जो सजेस्ट करवाए थे अब उनका सोल्यूशन उनका हल भी तो निकालना है ना किस तरह सजेशन में ही पड़े रहेंगे उनका जो हल निकालना है उसको जो हतमी फैसला करना है जो फाइनल डिसीजन करना है दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉब सोल्विंग मीटिंग ये जो मीटिंग्स होती हैं इसमें हम अल्टीमेटली फाइनल हमें आउटकम मिल जाता है फाइनल हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाता है जिसकी जिस चीज़ की तलाश में होते हैं हमें जिस चीज़ की तमन्ना होती है हमें वो चीज़ मिल जाती है दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग जी सो द पर्पज ऑफ दिस मीटिंग इज़ टू वर्क आउट सम सोल्यूशन ठीक है जी इसका जो मेन मकसद होता है सजेस्ट ओके प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सजेस्ट नहीं करना बल्कि सजेशन के बाद उनको अब इकट्ठा करके हमने उनका एक फाइनल कंक्लूजन निकालना एक सोल्यूशन ड्राइव करना है डी द प्रॉब इज प्रजेंटेड अगेंट होता है सोल्यूशन आर गैदर्ड उन सबको इकट्ठा किया गया होता है पहले से ही गैदर्ड किया गया होता है दीज रिकेशन आर इवेलुएटेड उनको इवेलुएट किया गया होता है एंड देनल डिसन इज मेड फॉर द फर्दर एक्शन तो फिर फाइनल डिसीजन कर लिया जाता है यहां पर ताकि क्योंकि जब फाइनल फैसला हो जाएगा उसके बाद ही सारे एक्शन परफॉर्म होंगे उसके बाद ही उस पर जो है ना अमल दरामद होगा अगर आपने फैसला ही नहीं किया अगर आपने अभी तक सी का फैसला ही नहीं किया तो आपने एक्शन कैसे परफॉर्म करना है तो आप सी में तो बाद में पढ़ाई शुरू करोगे पहले आप एक्शन परफॉर्म करोगे ठीक है जी अंडरस्टैंड जी अंडरस्टैंड तो इंफॉर्मेशनल मीटिंग बेटा गेट ऑफ पॉइंट इन्फॉर्मेशनल मीटिंग कौन सी होती है जो 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 एक एक जन, जनरल जनरल मीटिंग्स होती हैं जहां पे हम जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं देखिए okay, आप उस पर अमल करें या ना करें ओके इट्स अप टू यू लेकिन ये जो है आपका इशू होता है आपके बिजनेस का इशू होता है और हम उसकी जो राय ले रहे होते हैं ओपिनियन वो डिफरेंट लोगों से गैदर कर रहे होते हैं जो जो उस टीम में इन्वॉल्व होते हैं उन सब से हम गैदर कर रहे होते हैं और उनको फिर इवेलुएट करने के बाद अल्टीमेटली वी कम टू अ फाइनल सोलूशन आई होप यू अंडरस्टूड ओके एंड डेस्ट फ्रॉम माई साइड okay hope to see you again thank you very much okay take care allah hafiz